नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और तथ्य हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे UGC नेट दिसंबर 2005 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर फर्स्ट, हमें किस स्थान पर हड़प्पा मृगभांड तथा धूसर चित्रित मृगभांड की आवृत्ति क्रमबद्धता से प्राप्त होती है? ये होती है हमारे भगवानपुरा से। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने शिलालेख में कुछ विदेशी राजाओं तथा उनके राज्यों का उल्लेख किया है। किस अभिलेख में क्या है? अभिलेख जो 13 है, 13 अभिलेख में अशोक ने 5 यवन शासक और इसके साथ साथ ही साउथ इंडिया के जो शासक हैं उसमें वंश है, चोल वंश, पांडे वंश, केरल पुत्र और सती पुत्र का भी इसमें उल्लेख किया गया है, शिलालेख जो आपका 13 है। अब है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन सी एक उल्लेख नहीं है? सिंधु सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था आपको पता है, दसवें मंडल में दसों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन मगध का कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पिपरहवा स्थल निम्नलिखित प्राचीन स्थलों में से किस एक नगर के सदृश है? ये है कपिलवस्तु के सदृश है। पलिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ये लैटिन भाषा में है। किस कृति में भारत का बेवेरु के साथ संबंधों का उल्लेख है? ये है जातक। बेवेरु क्या है? बेवेरु जातक है, बौद्ध धर्म का एक जातक में से आता है, 549 जातक है। नेक्स्ट है, बिल्हेन ने लिखा है विक्रम देव चरित्र, सोमदेव ने लिखा है मानसोल्लास, सोमेश्वर ने लिखा है मानसोल्लास और सोमदेव ने लिखा है कथा सरिता सागर, जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एट, गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया? ये दी थी हेमेंद्र, जो उनके थे, उन्होंने कुमारपाल को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस एक प्रतीक का प्रयोग किया है? पल्लवों का जो प्रतीक चिन्ह था, मत्स्य और नौका। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बेसर मंदिर उत्कीर्ण किया गया है, देवगढ़ का जो मंदिर है, सबसे पहला बेसर, प्रारंभिक बेसर मंदिर है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा जोड़ा। कलहण ने राजतरंगिणी लिखी है, धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था, बागपति राज तथा हर्ष, डी जो है सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में सयादवाद की अवधारणा दूसरों के विचारों को स्थान दिया जाता है? बिल्कुल राइट है, जैन विद्वानों से, जैनी जो है विचारों से व्यभीत है, गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है राइट होगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, ये बोलता है, खारबेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में मगध राजा पर दमिति को धमकाया, दमिति मगध वापस लौट आया, ये सही है, क्योंकि वह उसे वहां से चुनौती देना चाहता था। गलत है, दमिति को वो चुनौती नहीं देना चाहता था, ऑप्शन सी ही।
नेक्स्ट है डियोडोरस। डियोडोरस ने लिखी है लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री। प्लिनी ने लिखी है एनावेसिस इंडिका। एनावेसिस इंडिका किसकी है? प्लिनी की। टॉलमी ने लिखी है ज्योग्राफी और मैगथनीज की इंडिका। हिसाब राइट वन। नेक्स्ट है 15। लिंगायत मत का प्रवर्तक कौन था? लिंगायत जो मत है वो बसवन का है। माधवाचार्य भक्ति का प्रचार किया था कर्नाटक के अंदर। गजपति शासकों के अधीन मूलतः स्थान था, गजपति आपके उड़ीसा के हैं। अमीर खुसरो का संबंध था गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। 8 राजाओं का इन्होंने कार्यकाल देखा था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपको पता है 1336 में हुई थी, 14वीं शताब्दी में हुई थी। पुरुष परीक्षा के लेखक का जन्म हुआ था बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। फारसी भाषी इतिहासकारों में किसने मूलतः शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा? शेरशाह सूरी का जो इतिहास लिखा था अब्बास खां शेरवानी ने। भारत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगीज लोगों के मुख्य स्थान थे गोवा, दमन एंड द्वीप। पांडिचेरी कोरमंडल तट पर प्रमुख केंद्र था, फ्रेंच का था, फ्रेंच इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके साथ 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से यूरोप को मुख्य निर्यात होता था सूती वस्त्र, नील शोरा और मसाले। मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी अकबर ने। आदि ग्रंथ का अंतिम स्वरूप निर्धारित करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने फाइनली इसको कंपोज किया था। नेक्स्ट है मध्ययुगीन भारत में कौन किसान नहीं थे? खुद कास्त किसान है, बलहार साधारण किसान, पाई कास्त भी किसान ही होते थे, लेकिन मुजारेंस जो थे ये किसान नहीं थे। मराठा संघ का पतन अंग्रेजों के सम्मुख हुआ क्योंकि मराठा सरदार एकजुट नहीं थे और सैनिक दृष्टि से निर्बल थे। नेक्स्ट है मध्ययुगीन भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा वो किस चीज़ का पड़ा, ये पूछ रहा है कि मध्ययुगीन भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव आंचलिक भाषा पर पड़ा। ऑप्शन डी महान मुगलों के अंतर्गत वस्तुकला फली फूली सही है। कुछ विद्वान मुगल शासक वस्तुकला के संरक्षण रहे, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट है 31। प्लासी युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोलता है कि प्लासी युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बंगाल में अपना व्यक्तिगत व्यापार किसके द्वारा करते थे? दस्तकारों का दुरुपयोग करके। ऑप्शन बी किसने सर्वप्रथम 4 वर्षीय बंदोबस्त बंगाल में लागू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है क्या सही नहीं है स्थाई बंदोबस्त के बारे में? स्थाई बंदोबस्त के बारे में जो सही नहीं है, जमींदारों को मालिकाना हक प्रदान किया गया बिल्कुल सही है। सदा के लिए भूस्वराज निर्धारित किया गया गलत है, ये 10 वर्ष के लिए होता था, सदा के लिए नहीं किया गया था। रैयत को मालिकाना हक प्रदान ये भी सही है, दोगुनी दर पर स्वराज का निर्धारण करना राइट है। नेक्स्ट है ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था हिंदू कॉलेज, इन्होंने स्थापित किया था, महिला शिक्षाओं के लिए ज़्यादा इनका योगदान रहा था। नेक्स्ट है 35। लखनऊ के फिरंगी महल शाखा से संबंधित थे मौलाना अब्दुल बारी। मौलाना अब्दुल जो बारी थे वो लखनऊ के फिरंगी महल से संबंधित
थे। निम्नलिखित में से कौन से सन 1922-23 में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराजवादी दल से संबंधित नहीं थे? स्वराजवादी दल से संबंधित नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, सी आर दास थे, हकीम अजमल खां जो है स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। किसने अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 के अंदर लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है 38। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में उपयोग किया गया प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। किसने कहा कि औपनिवेशिक शासन में भारत का अनौद्योगिकरण हुआ? अनिल सील औपनिवेशिक इतिहासकार है, क्रोनोलॉजिस्ट हिस्टोरियन। ही सेज यूरोप औपनिवेशिक शासन में भारत का अनौद्योगिकरण नहीं हुआ। नेक्स्ट है 41 में कुछ वाची आयर, टी के माधवन जो है वो है तनेवेली षड्यंत्र केस, टी के माधवन वैक्यूम सत्याग्रह, श्रीनिवास पिलाई द हिंदू प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी, ई रामास्वामी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ऑप्शन जो है सी राइट। नेक्स्ट है सर विलियम जॉन्स एनसीआरटी सोसाइटी ऑफ बंगाल, किन्होंने स्थापना की थी? सर विलियम जॉन्स एनसीआरटी सोसाइटी ऑफ बंगाल, हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, एडवर्ड थॉमसन एवं जेटी गैरेट, इन्होंने की थी। राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एम ए ओ कॉलेज, अलीगढ़ मोहम्मद कॉलेज यूनिवर्सिटी, बाद में ट्रांसलेट हुआ था, कन्वर्ट हो गया था। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में चलाए गए आज़ाद हिंद फौज मुकदमे में किसका नाम सम्मिलित नहीं था? क्या पूछा है? नहीं था, तो इसमें जीएस ढिल्लो, इनका नाम भी था, प्रेमचंद सहगल का नाम भी था, अशा नवाज खां का नाम था, लेकिन कर्नल मोहन का नाम नहीं था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 44। 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1854 का बुड डिस्पैच सामान्यतः भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेघना काटा था, सही है। इसमें अंग्रेजी शासन भारत में भावी शिक्षा व्यवस्था के वृद्धि योजना की रूपरेखा तैयार की गई, ये भी सही है, दोनों राइट आंसर है और एक ही सही व्याख्या आर करता है। 46 पुनर्जागरण में पुनर्जागरण काल में ग्रीक रोमन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता था? जो पुनर्जागरण काल में साहित्य में रोमन की रुचि थी उसको बोला जाता था एंडोइज्म, सुखवाद। किसने कहा कि वाणिज्य समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा का सतत संघर्ष है? थॉमसन ने। किसने मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार स्वीकृत माना? इरेसम्स को। फ्रांस में कैविलियनवादी को किस नाम से पुकारा जाता है?
लेवलिन वादी को ह्यूजे नॉज को के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस को प्रथम यूनानी इतिहासकार माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। आपके कुछ सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपके NTA नेट का एग्ज़ाम कब है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में उसकी डेट लिख के हमें बताएं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आपके जो प्रिपरेशन है वो किस हिसाब से हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।